ये SS ताइवान है, SS 304 है ये। एक अच्छा होता है नॉन मैग्नेट, ये नॉन मैग्नेट है। एक होता सही है मैग्नेट SS क्रोम वाला, ये क्रोम वाला नहीं है। ना इसमें काला पड़ने की शिकायत है, ना इसमें जंग लगने की शिकायत है, क्योंकि हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसकी लिख के देंगे आप इसकी हम गारंटी? गारंटी लिख के देंगे, बिल पे लिख के देंगे और रिटर्न चेंज करके देंगे अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन आएगी तो, क्योंकि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आगे से गारंटी मिलती है। लेकिन रेट के हिसाब से लेंगे ना, ये 35,000 का बेड है, सही लेकिन ये मैं एक फेवर के लिए कि आपके व्लॉग के जरिए जो भी आएगा मैं उसको 15% इसका डिस्काउंट दूंगा। ये सही जो मैं आपको जबानी कह रहा हूँ या जो भी आपके व्लॉग से आएगा वो आपको इसका जवाब खुद दे देगा। अलमारी इसमें आपको 20,000 रुपये की भी मिल जाएगी, अलमारी इसमें आपको 16,000 रुपये की भी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर कि कैसी क्वालिटी आप लेना चाह रहे हैं। सही। सलमान भाई खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम अच्छा है भाई। सलमान भाई, यहाँ का सबसे पहले मुझे एड्रेस बताइएगा ताकि हमारे व्यूवर्स अगर आना चाहें तो आसानी के साथ आ सकें। देखिए ये मेन आरामबाग फर्नीचर मार्केट है, सिविल हॉस्पिटल के सामने, सही। और जैसे कौसर मेडिकल है, कौसर मेडिकल वाली गली के अंदर ये फर्नीचर मार्केट है और बड़ी कदीमी मार्केट है। अच्छा, और ये कराची की सबसे पहली मार्केट है और यहाँ पर आज भी वही काम चल रहा है जो आज से 40 साल 50 साल पहले होता था। यहाँ पर कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो शॉप नंबर क्या है यहाँ? ये शॉप नंबर मेरा 36 है अच्छा और सलमान वीर जी के नाम से मेरी शॉप है, ठीक है। और ये एसोसिएशन के दफ्तर के नीचे ही है। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका, मेरा अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, रब्ता करना चाहे? जी जी बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345-2535420, सलमान नाम है मेरा। ठीक है, तो सलमान भाई कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं फिर? देखें ये हमारी जो है सबसे बेस्ट वैरायटी है, ये फुल SS के अंदर है, ठीक है ना। हम लोग बहुत सी जगह ऐसा होता है कि क्रोम में काम होता है, तो हम लोग क्रोम में काम नहीं करते, SS में वो वैरायटी बनाते हैं जो कस्टमर की रेंज में भी आवे और क्वालिटी में भी अच्छी हो। ये 5x6 का बैट है, ये मार्केट में आप नॉर्मल कहीं से भी लेने जाएंगे ना 30-35,000 का बैट पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखते हैं, ये 28,000 का बैट पड़ जाएगा। बेस्ट क्वालिटी है ये और ये काला नहीं पड़ेगा, इसकी भी गारंटी है। ये जो बैट है ना हमारा, ये फुल SS में बना हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये फुल SS में बना हुआ है और ये SS ताइवान है, SS 304 है ये। अच्छा। एक होता है नॉन मैग्नेट, ये नॉन मैग्नेट है। एक होता है मैग्नेट SS क्रोम वाला, ये क्रोम वाला नहीं है। ना इसमें काला पड़ने की शिकायत है, ना इसमें जंग लगने की शिकायत है, क्योंकि हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसकी लिख के देंगे आप गारंटी? इसकी हम गारंटी लिख के देंगे, बिल पे लिख के देंगे और रिटर्न चेंज करके देंगे अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन आएगी तो, क्योंकि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आगे से गारंटी मिलती है। सही। जैसे कि मैग्नेट लगाओ ना, देखिए मैग्नेट इस पर लगाएंगे तो मैग्नेट इसको पकड़ेगा नहीं, कहीं भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि प्योर SS है। प्योर SS को मैग्नेट नहीं पकड़ता, आप किसी भी जगह पर लगा के चेक कर लें, नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे पाइप में लगाएंगे आयरन के, ये चुपक जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी ये बता देती है। तो कहीं भी आप, कोई भी दुकानदार आपसे ये कहता है कि मैं SS दिखा रहा हूँ, तो आप उससे बोले कि मुझे मैग्नेट भी दे दें, मैं अपनी तसल्ली कर लूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी, चीज़ आपके लिए खरीदना आसान हो जाएगी। सही है, ये अच्छी अच्छा आइडिया दिया। हाँ, ये कैसे, क्योंकि लोहे के ऊपर भी क्रोम हो जाता है, क्योंकि वो व्हाइट कलर में आ जाता है तो लोगों को लगता है कि ये भी प्योर SS है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये क्रोम किया हुआ है। तो उसके लिए आसान हल है, मैग्नेट लेके आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा, आपका खुद दिल मुतमईन हो जाएगा। सही। अच्छा, ये बना हुआ नहीं रखा हुआ? जैसे ये ओपन रखा हुआ है, ये इसका देखिए नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का इसका हिस्सा, ठीक है ना। इसके जो बीच में जाल होती है, पट्टियां होती है, जैसे ये बेड पीछे हमने फिट किया हुआ है, सही, वो हमने प्योर SS में फिट किया हुआ है। ये कुशन स्टाइल में बना हुआ बेड है और ये जो लगा हुआ है, ये देखिए एक्रिलिक बीच में लगी हुई है। अब ये डिफरेंट लुक है SS के अंदर, उसमें कुशन लगा हुआ था, इसमें एक्रिलिक लगी हुई है। ये भी बहुत सोबर सिंपल, जितने भी डिसेंट लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिंपल भी है, साफ़ सफाई में भी आसान है और खूबसूरत भी लगती है। इसके नीचे लोहे के जाल लगते हैं, जैसे साथ में सेंटर सपोर्ट्स लगती हैं, ताकि कहीं बच्चे वगैरह अगर जंप मार रहे हों तो सपोर्ट्स लगने से फिर वो कवर रहती है, झोल नहीं आता बैठ के, पूरा जाल बिछा हुआ है। सही। ये इसकी डिफरेंट क्वालिटी है, ये सोबर चीज़ है। अब इसी में जैसे ये सामने बैट रखा हुआ, अच्छा सलमान भाई हमने प्राइस नहीं बताया, साथ साथ प्राइस बताते हैं ना, जो जो ये जैसे ये बैट रखा हुआ है ना, इसको अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से लेंगे ना, ये 35,000 का बैट है, लेकिन ये मैं एक फेवर के लिए कि आपके व्लॉग के जरिए जो भी आएगा मैं उसको 15% इसका डिस्काउंट दूंगा। ये जो मैं आपको जबानी कह रहा हूँ या जो भी आपके व्लॉग से आएगा वो आपको इसका जवाब खुद दे देगा। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा हो गया। और ये इसका जैसे ये बैट रखा हुआ, इसके प्राइस, इसकी जो मार्केटिंग प्राइस है वो है 32,000। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके व्लॉग्स के थ्रू जो भी आएगा मैं इसका उसको 15,000 डिस्काउंट दूंगा। सही, 15% डिस्काउंट दे दूंगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलने लिख के देंगे, लिख के देंगे, गारंटी के साथ लिख के देंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें जो जो वैरायटीज हैं सबकी वारंटी देंगे आप? जी जी, सबकी टोटली वारंटी होती है, चाहे वो आयरन में हो चाहे वो उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये एक हमारी डिफरेंट वैरायटी है, इसमें बीच में जैसे थोड़ा सा SS का काम किया हुआ है
ऊपर ये फुल जाफरी का काम किया हुआ है, ये जाफरी लगी हुई भी है। ये होता क्या है? ये होता है असल में फाइबर, ये खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। आजकल घरों में किचन कैबिनेट पे भी लोग लगाते हैं, फाइबर है। फाइबर है और इसके पीछे एक होती है सपोर्ट नहीं लगाना, हमने इसके पीछे एक्रिलिक की सपोर्ट लगाई है ताकि फाइबर को कोई झोल मारे तो वो पीछे से पैक को खराब ना हो, टूटे ना। अच्छा अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट दे दी जी, बिल्कुल इसकी मुकम्मल सपोर्ट है कि ये चीज खराब ना हो। इसकी खूबसूरती भी नुमाया, अब इसमें एक्रिलिक का भी काम है, जाफरी का भी काम है, एसएस का भी काम है और ये सारे डीको के शेड लगे हुए हैं। इसके ऊपर हार्डनर और लेकर लगता है जिससे ये कलर कोड हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम की चीज़ है। और ये बेड भी जैसे अगर कोई कस्टमर लेने आता है, ये 27,000 का बेड है, इसके ऊपर भी 15% डिस्काउंट है, जो मुझे शायद बार बार बोलने की जरूरत नहीं, नहीं आपको। हाँ ठीक है, हर चीज पे ही है समझ लें। बिल्कुल, तो इसी तरह से ये जो वैरायटी, अब ये जो बेड रखा हुआ है इसकी एक डिफरेंट क्वालिटी है। देखें ये जो है वन पाइप में बेड है, इस बेड में कहीं जोड़ नहीं है, ये वन सिंगल पाइप में बेड है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। मेजोरिटी ऐसे कस्टमर होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड बुजुर्ग होते हैं जिनके लिए फैमिलीज खरीदना चाहती है, तो उसमें ऐसा होता है कि कोने में बच्चा कहीं भाग रहा होता है ना, अगर यहाँ पर कहीं जोड़ लगा हुआ हो बेड पे, कहीं फिटिंग पे जोड़ लगा हो, तो चलते फिरते वो कोना लगने का खतरा होता है, दूसरा उसमें चाल का भी खतरा होता है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जब कोई ओल्ड शख्स यूज करे और कोई बच्चा यूज करे उसके लिए बहुत कारामद है, लगने का खतरा नहीं होता और लॉन्ग टाइम की चीज है। सही, टूटने का भी नहीं होता, बिल्कुल खतरा नहीं होता, झोल नहीं आता। बेड तो हो गया, काफी सारे वैरायटी दिखा दी जी, डिफरेंट डिफरेंट। ये वही चीज है, इसमें ये देखें यहाँ पर, अब ये बेड लगा हुआ है, ये भी जो है एसएस विद एक्रिलिक का काम किया हुआ है, इसकी अपनी खूबसूरती है। इसके अंदर व्हाइट एक्रिलिक लगी हुई है जो आजकल किचन कैबिनेट घरों में लोग खवातीन यूज करती हैं। अच्छा। तो ये घरों से भी मैचअप हो जाता है, किचन से भी मैचअप हो जाता है। अब लोगों का ये जो शिकायतें थी कि लोहे के काम में वैरायटी नहीं है, अब हमने वैरायटी में बहुत इजाफा कर दिया कि आपकी घर की खूबसूरती के साथ हर चीज मैच हो रही है। अच्छा, अब अलमारी पे आ जाए, देखें ये अलमारी ये रखी हुई जैसे। अच्छा, सेटी भी आपके पास पड़ी है, वो इंटरेस्टिंग चीज है, अलमारी भी, सेटी भी है, सोफा भी है, देखें आप, ये सेटी है जी, ये देखिए 3-सीटर सेटी रखी हुई। ये अक्सर लोग ऐसा होता है कि उनको घरों में स्पेस आगे पीछे ज्यादा नहीं होता तो वो सोचते हैं कि हम पलंग ले लें या सेटी ले लें सिंगल। अच्छा। तो सिंगल पलंग बेड के साथ लेने जाते हैं तो अगर वो एक्सपेंसिव पड़ रहा होता रेंज के हिसाब से तो सेटी उनके लिए कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें बंदा सो भी सकता है और बैठ भी सकता है और इसको मूव करना बहुत आसान है, आप अपनी जगह से मूव कर सकते हैं जहाँ चाहे। इसके अंदर एक खासियत आपको और बताऊँ, जैसे ये शीट रखी हुई है ना, हमने इसके नीचे सेटी के अंदर सपोर्ट लगाई हुई है। बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है सपोर्ट नहीं लगी होती तो जैसे कोई बच्चा चढ़ता है ना तो उसका पांव अंदर चले जाता है, गद्दी अंदर चली जाती है, इसमें ऐसा है सपोर्ट लगने से वो चीज सेफ लगी हुई है। सही है। प्राइस क्या है इसके? जैसे इसके प्राइस जो है 16,500 रुपए है। अच्छा, और वही डिस्काउंट, वो डिस्काउंट वो शामिल है, कम हो जाएगा, ये भी शामिल है, अभी के रेट्स में वो सब शामिल है। सिटी में और कोई वैरायटी? इसमें और डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, फिर ब्लैक है, ब्राउन है, सिल्वर, डिजाइन इसी तरह का, डिजाइन इसी तरह का होगा, कलर डिफरेंट मिल जाएंगे। ये सोफे, ये 5-सीटर सोफा सेट लगा हुआ है, ये सिल्वर के कलर में जैसे लगा हुआ है, इसमें भी एसएस का काम किया हुआ है, ऊपर डीको का काम किया हुआ है और नीचे मुकम्मल सपोर्ट्स लगी हुई हैं। देखिए जाले नीचे डबल डबल बने हुए हैं। सही। ये बनाने का मकसद ये है कि फैमिलीज जब ले जाएं बैठे तो फॉर्म उनके अंदर ना जाए, वो कवर अप मौजूद हो, कोई बच्चा चढ़े तो भी पाँव अंदर ना जाए। सही। ये भी लॉन्ग टाइम की चीज़ है, घरों में आजकल ये बहुत यूज होती है और शादी ब्याहों के घरों में तो ये ज्यादा यूज होती है और नॉर्मल भी कैजुअल लोग इसको अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ड्रेसिंग पे आ जाए। देखें इसमें आपके पीछे ड्रेसिंग रखी हुई बॉक्स वाली, अब ये फर्नीचर के सेट के साथ मैच होती है। इसके अंदर आप देखें ये चेस्टर बॉक्सेस बने हुए हैं, पहले आम सी ड्रेसिंग होती थी पाइप वाली, अब ये क्या बॉक्स वाली ड्रेसिंग है कि जो भी आए आपका सामान अंदर सेफ पड़ा हुआ हो, जो घर पे आए वो सिर्फ आपको अपना शीशा देखे, आपका सामान अंदर सेफ हो। नीचे इसके ड्रॉस बने हुए हैं जिसमें आप सामान सेपरेट रख सकते हैं। इसके नीचे एक और कबर्ड बना हुआ है कि जैसे आप इसको बंद करें, इसको ऑफ करें, ये नीचे कबर्ड बना हुआ है। ये ड्रेसिंग लेने का स्पेशली फायदा ये है, खास तौर उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो शादीशुदा लोग होते हैं, ये बॉक्स वाली ड्रेसिंग इन फ्यूचर जब बच्चा होता है तो ये छोटा कबर्ड बन जाता है और ये उस टाइम उनके बड़े काम आता है, जब वो बाद में सोच रहे होते हैं कि हमने कोई चीज लेनी है, ये उस टाइम इस्तेमाल में बहुत काम बच्चों के कपड़ों, बच्चों के कपड़ों के लिए। सही। और ये वाले इनके भी प्राइस? ये शोकेस है, जैसे ये शोकेस है, अब ये जैसे भारी क्वालिटी में रखा हुआ है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये 34,000 है। इसमें डिफरेंट रेट्स में भी हैं, अब इसमें हमारे पास 20,000 का भी शोकेस मिल जाएगा, 25,000 का भी शोकेस मिल जाएगा, जैसी उसकी चादर की क्वालिटी होगी। ठीक, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब रह गई अलमारियाँ जी, अलमारियाँ भी दिखा दें। देखिए अलमारी जैसे ये रखी हुई, अब ये चूड़ और ये हैवी क्वालिटी में अलमारी रखी हुई, इसके ऊपर डीको का काम किया हुआ है, खूबसूरती के साथ इसको मैच किया हुआ है, ये बेडों से सेटों से मैच होती है। ये आप देखें, ये इसमें फोल्डिंग सिस्टम है, ये आप फोल्डिंग करके शेल्फ से निकाल सकते हैं,
अंदर हैंगर लगा हुआ है कि आप इसके ऊपर कपड़े हैंग करना चाहें तो आप ये फोल्डिंग शेल्फ निकाल के नीचे रख सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपके नीचे सेव हो जाएं और आपके कपड़े भी हैंग हो जाएं। सही। इसके अलावा ये इसका सेकंड डोर है, ये आप इसमें ड्रॉर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ये आपके सामने ड्रॉर्स रखे हुए हैं ये यूज कर सकते हैं। फिर ये चेस्टर बॉक्स बना हुआ है अंडरग्राउंड, क्या आप प्राइवेटली सामान जो भी है सेपरेट चीजें इसके अंदर रख सकते हैं। ये भी भारी क्वालिटी में बना हुआ है, इसी में आपको 3 से 4 वैरायटी मिल जाएगी। इसकी क्या प्राइस? जैसे ये वैरायटी है, ये 32,000 रुपए की अलमारी है, अलमारी इसमें आपको 20,000 रुपए की भी मिल जाएगी, अलमारी इसमें आपको 16,000 रुपए की भी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर कि कैसी क्वालिटी आप लेना चाह रहे हैं। सही सही। अच्छा, ये जो अलमारियों की आपके पास वैरायटी, इसमें कम से कम वाला कौन सी है? देखिए, इसमें सबसे कम वाली अलमारी जैसे ये रखी, जैसे मैंने एक वैरायटी आपको वहां दिखाई ना, ये उसी की सबसे लो कैटेगरी की वैरायटी है। इसका लोहा थोड़ा सा, ये नॉर्मल चादर में है बिल्कुल, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल घरों के हिसाब से लोग लेते हैं जिनकी गुंजाइश नहीं होती, तो हमने वो क्वालिटी भी रखी हुई है कि भारी भी ले और कम से कम भी। फैसिलिटीज वही होंगी, मतलब पोर्शन वगैरह सब वही चीजें होंगी, चादर मटेरियल इसका हल्का है। सही है। अब ये जिनकी रेंज में आ जाए ना, ये 18,000 रुपए की अलमारी है। अच्छा। ये कस्टमर की रेंज में आने वाली चीज है। सही। बाकी उसी के साथ का वो सेम शोकेस रखा हुआ है, जैसे वो शोकेस मैंने आपको बताया था वो भारी में है। अब ये भी सेम 18,000 का शोकेस है, 18,000 की अलमारी है, 18,000 का शोकेस है। सही है। मेरा ख्याल है काफी हो गया सलमान भाई, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, बस काफी। बाकी ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।